हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट शुड बी योर डेली शेड्यूल जो कि क्लाउड प्रिपरेशन के टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। और इस डेली शेड्यूल का जो भी इंस्पिरेशन है वो अपने शेड्यूल से ही ले रहा हूँ, बिकॉज मेरा क्या शेड्यूल था इन द क्लास 12th एंड मेरा क्या शेड्यूल था इन द ड्रॉपर ईयर, बिकॉज दोनों के पढ़ाई का तरीका अलग है, दोनों के प्रिपरेशन का वे एकदम अलग है बिकॉज द टाइम दैट दे गेट। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे व्हाट शुड बी योर डेली शेड्यूल, मतलब कब क्या कैसे पढ़ा जाए एंड कैसे उठता था। तो मैं थोड़ा सा अपने शेड्यूल का आपको आइडिया देने वाला हूँ दिस टाइम। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू दैट डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग का बेनिफिट हो एंड यू नो दिस वीडियो बिकम्स पॉपुलर और लोगों को जाने कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। वी आर डूइंग समथिंग अमेजिंग। अलॉफ्ट का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। वी आर लॉन्चिंग सम न्यू थिंग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रॉपर स्टूडेंट की, ठीक है। द ईयर आई क्रैक क्लैट, इट वॉज द ईयर 2019 जब मैंने क्लैट को निकाला। एंड यू नो अब हम लोग जानेंगे मेरा ड्रॉपर टाइम पे क्या शेड्यूल था। तो देखिए ड्रॉपर जब मैं था तो मेरा जो शेड्यूल था, मैं सुबह 7 से 7:30 के बीच में उठता था। जो मैं भी शेड्यूल बता रहा हूँ आप इसके अराउंड फ्रेम कर सकते हैं, आप एकदम सेम भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबके लिए सेम चीज़ शायद ना वर्क करे। ओके 7 से 7:30 बजे मैं उठता था, 8 बजे मैं अपनी कोचिंग चले जाता था, बिकॉज कोचिंग में मेरी लाइब्रेरी थी। यू नो वॉट, कोचिंग का जो मेरा क्लासेस थी वो 10 से 2 होती थी, बट कोचिंग में जो लाइब्रेरी थी वहाँ मेरे पढ़ाई का मन बहुत लगता था, कॉन्सेंट्रेशन बहुत बनता था। तो मैं सोचता था कि मॉर्निंग का टाइम मैं दूंगा कहाँ पे, अपनी लाइब्रेरी में जहाँ मैं अच्छे से आके पढ़ूंगा, ठीक है। तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक आई यूज़ टू स्टडी, जो कि सेल्फ स्टडी होता था, ठीक है। इस टाइम का जो फ्रेम होता था मैं बहुत साइंटिफिकली इसका यूज़ करता था। 8 से 9 का टाइम होता था वो मैं मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो मैं बहुत डिफिकल्ट लगता था एट दैट टाइम, और जिसके वजह से मेरा 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो चीज़ पढ़ता था। एंड दैट थिंग वाज कॉम्प्रीहेंशन या तो CR, ठीक है। ये दोनों मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक्स थे बिकॉज मेरे को समझ नहीं आते थे। देन आई गॉट टू नो कि भाई सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक को सबसे पहले करो, बिकॉज ईजी टॉपिक है वो तो आप कभी भी कैसे भी कर लोगे, बट डिफिकल्ट टॉपिक आप हमेशा छोड़ देते हो। तो मेरे लिए डिफिकल्ट था कॉम्प्रीहेंशन, CR, किसी के लिए मैथ्स होगा, किसी के लिए लीगल होगा। आप उस सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली मॉर्निंग टाइम में उठने के बाद तुरंत सेट कर सकते हैं। 8 to 9 इस सब्जेक्ट को देखने के बाद 9 to 10 जो मेरा टाइम था, इसको मैं देता था फॉर द हिंदू। द हिंदू की मैं अच्छे से रीडिंग करता था, ठीक है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई डिडंट मेड नोट्स, कोई मुझे पता था मेरे टीचर नोट्स दे देंगे तो मेरे को नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 2 मैंने बताया मेरी क्लास थी, तो क्लास जैसे रेगुलर अटेंड करता सबको करता था, बट मेरा फोकस रहता था आई हैवेंट लेफ्ट एनी क्लास टिल नाउ। मैंने शायद एक क्लास छोड़ी हो, वो भी मुझे नहीं याद है, मैंने आज तक एक क्लास नहीं छोड़ी। और ये मेरा कमिटमेंट था, मुझे ये भी क्लास नहीं छोड़नी थी, बिकॉज जो क्लास छोड़ता है उसका प्रॉब्लम होता है। आप फ्लो से चले जाते हो, फ्लो से बाहर हो जाते हो। क्लैट एग्जाम फ्लो का है, और अगर कोई ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहा है तो फ्लो तो चुटकियों में से हटता है। तो इसलिए फ्लो में रहना इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन द क्लास एवरी डे, आपको कोचिंग रोज जाना ही चाहिए और एवरी डे अटेंड करना चाहिए। 10 से 2 मैं क्लास करता था, और क्लास में इतने अटेंटिवली करता था कि मेरा गोल था कि मैं क्लास में जो भी टीचर एवरी वर्ड जो बोल रहा है वो मेरे दिमाग में जाए, वो मैं अच्छे से समझूं। दैट वॉज माय पॉइंट। तो 10 से 2 मेरा ये होने के बाद माय नेक्स्ट पार्ट वॉज कि भाई 2 से 7 या फिर कभी कभी 6 बजे भी हो जाता था, मैं फिर से लाइब्रेरी में बैठ जाता था, जो लाइब्रेरी थी किसकी, अपनी कोचिंग की। फिर लाइब्रेरी में मैं, क्योंकि मेरे को एक सिस्टम मिलता था, एक कंप्यूटर कीबोर्ड, आई हैड माय ओन लैपटॉप, मेरे पास अपनी पेन ड्राइव थी, तो मैं वैसे ही अपना सब डाउनलोड कभी करता था, पढ़ता भी था, घर के लिए ले भी जाता था। तो मैं बढ़िया से यहाँ पे लेक्चर्स को देखता था, लेक्चर्स नहीं देखना था तो ज़्यादातर मैं सॉल्व करता था, बिकॉज मैंने 12th में क्या करा था कि पूरे कॉन्सेप्ट को पक्का कर लिया था, स्ट्रांग कर लिया था, और उसके बाद मैंने जो ड्रॉप ईयर में था उसको मैंने प्रैक्टिस करा अच्छे से, ठीक है। दिस वॉज वॉट आई डिड। 2 से 7 के बीच में मैं सब्जेक्ट्स को प्लान करता था। सब्जेक्ट्स को प्लान का तरीका मैंने बताया, डिफिकल्ट को पहले रखता था और ईजी को बाद में रखना चालू कर देता था, बिकॉज मुझे पता था ईजी मैं कभी भी कर लूँगा।
7 बजे मैं घर आ जाता था, और घर आने के बाद 7 से लगभग 7:30 तक मैं घर आ गया, और 7:30 से 8:30 में आराम से एक स्लीप लेता था, नैप लेता था, जो नैप नहीं थी बिकॉज इट वॉज ऑफ दी 1 आवर, क्योंकि मेरे को क्या था कि मेरे को सेल्फ स्टडी का और टाइम चाहिए था, मुझे और पढ़ना था, और चीज़ें कवर करना था, और टेस्ट सीरीज़ देनी थी, टेस्ट सीरीज जो सेक्शनल होती है जो मैं टाइम बेस्ड नहीं करता था उसको देना था। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए मैं ये शाम को सोता था जिससे मैं रात भर जग पाऊँ, या रात में ज़्यादा देर तक जग पाऊँ, तो ये मेरा गोल रहता था। तो रात भर जगने के लिए मुझे थोड़ा सोना, बिकॉज दिन भर मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ से मिलती थी। और तो अपना आपका डाइट वाइट अच्छी होनी चाहिए, सो दैट्स अ पॉइंट। उसके बाद 8:30 से लेके मैं रात के 2-3 बजे तक फोकस से पढ़ता था। फोकस मतलब सेम वही तरीका है, मैंने CR उठाया, इंग्लिश उठाया, अब मेरे को लीगल पसंद है, मैंने लीगल उठाया और लीगल के ही प्रैक्टिस करने लगा। तो ये मेरा जो पूरा ड्रॉप ईयर था, वो सिर्फ प्रैक्टिस था, कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं था। एक दो बार मैंने करा होगा, बट मेरा मैक्सिमम जोर था कि मेरे को सिर्फ खाली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप शार्प होने लगते हैं। एंड दिस वॉज वॉट ऑल आई डिड, रात के 2-3 बजे तक करता था, ठीक है, बिकॉज रात के 2-3 बजे आपको नींद आने लगती है, या उससे पहले 12-1 बजे नींद आने लगती है। सो मैं लेट के पढ़ता था, मैंने बेड पे लेट गया, और आई हैड दैट स्मॉल फोन जो बटन वाला होता था, उसकी जो लाइट होती थी ना, टॉर्च होता था, उससे मैं बुक पे मारता था और लेट के पढ़ता था, बिकॉज बैठ बैठ के थक जाओगे तो लेट के पढ़ने लगता। तो मैं ज़्यादा पढ़ना है, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं गिर नहीं जाऊंगा। मेरा ये थोड़ा सा ये मोटा, मतलब ये रोज दहन नहीं होता था, बट ये हमेशा माइंड में रहता था, बिकॉज एक मैं कहीं मोटिवेशन सेमिनार में गया था, सो दैट पर्सन टोल्ड मी, भाई कि व्हाई आर यू स्लीपिंग, काय सो रहे हो, सोते हो, नींद नहीं आती, तो भैया जाके काम करो ना, दैट ही ऑलवेज यूज़ टू से। तो वही सेम मैं करता था, तो मैं जब तक गिर नहीं आता था, मैं नींद नहीं आती थी, तो मैं लेट के पढ़ता रहता जब तक एकदम एंड पे नींद नहीं आती, तो मैं अपना बुक किताब साइड में रख के लाइट बंद करके सो गया, लाइट मतलब टॉर्च ही लाइट। सो एट द एंड मेरा डे ऐसे ही चलता था, और फिर नेक्स्ट डे चालू हो जाता था। वो मोटिवेशन हमेशा भरा रहता था, वो वाई हमेशा क्लियर था, तो वो मेरे को मेहनत करने के लिए लगाया रहता था। कॉन्फिडेंस गिरता था, सब कुछ होता था, बट आई हैड सम यूट्यूब चैनल जैसे Fearless Motivation, मामा मेंटेलिटी, और बड़े लोगों की स्पीचेस जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करती थी, वाई अवीना यू हैव टू डू दिस, तो दैट वॉज अ पॉइंट जो मेरे को मोटिवेट करता था। तो ड्रॉपर की थोड़ा सा मैं यही शेड्यूल को बोलूँगा, कुछ ऐसे ही फॉलो करेंगे शेड्यूल, एक दिन में आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, बट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को पहले, जो भी आपको डिफिकल्ट है वो फिगर आउट करो, मेहनत करो, पहले अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बट साथ साथ प्रैक्टिस करना चालू कर दो, है ना, रुको ना उसके लिए। और संडे को मेरा काम होता था मॉक को देना, जो मेरा सेंटर पे ही मॉक होता था, और संडे को भी थोड़ा बहुत उसका एनालिसिस करके उसी दिन पढ़ाई करके और थोड़ा सा जो एडअप कर पाऊँ कर लेता था। तो दिस वॉज माई होल थिंग जो कि मैंने ड्रॉप ईयर में वर्क करा। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि ड्रॉप ईयर में तो मैंने इस तरह से वर्क करा, बट अब मेरी 12th की स्ट्रेटजी क्या थी, ठीक है, 12th की क्या स्ट्रेटजी थी मेरी जो पढ़ाई करने की, जो आप लोग भी जिसको हिसाब से वर्क कर सकते हो। 12th मेरा सिलेक्शन के मैं पास था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था इन द क्लैट 2018। तो मैंने क्या करा था, देखो क्लैट का जो एग्ज़ाम है ना, मैंने उसको समझा था, सब कुछ था, मैंने पढ़ा, आई गेव अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने पढ़ाई को बहुत टाइम भी दिया, बट गलती मैंने यहाँ पे करी थी कि मैंने समझा नहीं क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं एंड हाउ टू प्रिपेयर। मैं सिर्फ GK पढ़ता रहा और सब्जेक्ट ध्यान नहीं दिया, बट मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा। आई गेव अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी थी। मेरा जो शेड्यूल था ना, वो सबसे टफेस्ट था जब मैं क्लास 12th में था। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो मेरा जो सुबह का टाइमिंग था स्कूल का, वो 8 से 2 का था। आपका कुछ भी होगा, आपने यहाँ से देखेगा, मेरा घर स्कूल के बहुत पास था। सो 8 से 2 मैं पढ़ता था स्कूल में, 8 से 2 मैं CMS गोमती नगर लखनऊ का स्टूडेंट था, GN1 कैंपस। और 8 से 2 जब मैंने पढ़ा, तो वो जो स्कूल था, स्कूल में ही मैं 2-3 चीज़ों कवर कर लेता, बिकॉज स्कूल में हर समय पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में हर समय कुछ सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाते हैं, कोई पीरियड हो गया, कोई कुछ हो गया, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम, तो कुछ सब्जेक्ट टाइम बचते हैं। तो मैं द हिंदू कवर कर लेता था और GK का अपना रजिस्टर लेके आता था। मैंने कहा भैया इजी सब्जेक्ट तो भैया वहीं कवर कर लो, कि वहाँ पे क्या ही है ना, इजी सब्जेक्ट तो आप कभी भी कवर कर सकते हो। द हिंदू और GK मैं वहीं पे कवर करके बैठ जाता था, और ये हमेशा मेरा रोज का टारगेट हो गया था कि द हिंदू एंड GK मैं स्कूल में कवर करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा था क्या, कि मैं अब घर आ रहा हूँ, घर में आता था 2 बजे, 2:15 तक मैं घर पहुँचा, और 2:30 तक, मतलब 15 मिनट के अंदर मैंने या तो कुछ खाया या तो मैंने प्रोटीन लिया, बिकॉज आई वॉज वेरी जिम फ्रीक दैट टाइम, बहुत फिटनेस फ्रीक था,
और 2 से 2:30 बजे मैं निकल जाता था फॉर माई जिम। 2:30 से मैं 3:45 तक जिम करता था, यू नो, और 3:45 पर मैं निकल जाता था फॉर माई कोचिंग, जो कि मेरे क्लास 12th ही होती थी। और ये 4 से मेरी कोचिंग चलती थी, कभी 6 कभी 7। अब समझ पा रहे होगे कि 6-7 बजे तक मैं कोचिंग में रहता था, आफ्टर ये वो जिम सब कुछ करके। अभी तो मेरी क्लाइंट प्रिपरेशन चालू ही नहीं हुए, थोड़ा बहुत मैंने स्कूल में कवर करा, बट यू नो अभी तो सब कुछ घूम ही घाम रहा है। 4 से 6, 4 से 7 मेरा जब क्लास हो गया ट्यूशन, तो आप इतना थक चुके होते हो, यू डोंट हैव एनी एनर्जी टू स्टडी फॉर क्लाट। तो मैं क्या करता था भाई, देखो मैं 7 बजे पहुँचता था, 7:30 तक कुछ खाया पिया, और 7:30 से वही शेड्यूल था, 7:30 से 8:30 जो मेरा था, मैं फिर स्लीप करता था, आराम से सोता था, मस्त नींद लेता था, अलार्म लगाता था, यू नो खुद का अलार्म था, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना मम्मी ना पापा, खुद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, भाई मेरे को इतने बजे उठना है, मैं उठूंगा, और मेरा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एट दिस मोमेंट। और मैं 8:30 पे उठता था, और 8:30 पे उठने के बाद मैं रात के कम से कम 1-2 बजे तक पढ़ता था। 1-2 बजे तक मैं पढ़ता था, क्या सब्जेक्ट पढ़ता था, मैं 1 से 2 घंटा देता था फॉर स्कूल की स्टडी, 2 घंटा भी नहीं रहा होगा, 1.5 घंटा देता रहा होगा फॉर स्कूल स्टडी, स्कूल के सब्जेक्ट देख लिया, और जो पूरा टाइम था फॉर क्लाट पेपर, तो 3 से 4 घंटे, 4 घंटे ना हो तो 3 से 4 घंटे तो मेरे हो ही जाते थे फॉर क्लाट प्रिपरेशन। अब इसमें मैं सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाता था, तो 3-4 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया इसी के दिन, या 3 ही सब्जेक्ट को मैंने देख लिया, अगले दिन 3 सब्जेक्ट्स को देखा। तो दिस वॉज माई शेड्यूल जैसे मैं चलता था, बिकॉज मैंने हिंदी न्यूज़पेपर वहीं पढ़ लिया, जीके को थोड़ा वहीं देख लिया, फिर मेरा सैटरडे संडे कोचिंग रहती थी, मैं जहाँ कोचिंग करता था दोनों इवनिंग, तो सैटरडे को मैं इवनिंग में कोचिंग होती थी, तो मैं अपनी स्कूल की कोचिंग छोड़ देता था, और जो है जो संडे को होता था, संडे को मैं जो है कोचिंग कर लेता था इन दी मॉर्निंग, और फिर पूरा दिन मेरे पास मॉक दे दो था, रिवाइज कर लो, दिस वॉज वॉट ऑल आई डिड, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही मेरा दिन बीतते थे, मैं ऐसे ही कुछ पढ़ता था, बट यू नो कितना स्ट्रिक्ट टाइमिंग दिख रहा है आपको, कितना एकदम पैक टू पैक शेड्यूल दिख रहा है, और यू नो एग्जॉस्ट आप होते हो पूरे दिन भर में, पढ़ते हो जब तो कॉलेज भी जा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, यू नो, तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा अंदर अंदर वो वाई क्लियर होना चाहिए, वो मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। फॉर दैट आई यूज़ वॉच, जैसे मैंने बताया मोटिवेशन वीडियोस, तो ये सब भी आप कर सकते हैं, इसके हिसाब से कुछ चेंजेस आप प्लान में कर सकते हैं। वाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।